बाइक मेट पी के सब्सक्राइब करने के फायदे आपको उस किस्म का जिसका ऑलरेडी हम रिव्यू कर चुके हैं, 125 SRK, 125 S, इसका रिव्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखिए, क्योंकि यह है पाकिस्तान का पहला 125 cc स्पोर्ट्स बाइक, फीचर से भरपूर और अमेजिंग एसेसरीज के साथ। आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 150 में स्पोर्ट्स बाइक, जो कि इक्विलेंट है उस बाइक के। अगर आप बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, फीचर्स की, तो दिस इज ऑल्सो फुल ऑफ देम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइक मेट पी के। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। अगेन आई एम टू एक्साइटेड टुडे बिकॉज हमारे पास है बहुत ज़बरदस्त 150 सीसी कैटेगरी का मोटरसाइकिल। लेकिन मसला ये है कि मैं कहाँ मौजूद हूँ, ये तो बताया ही नहीं मैंने। मैं इस वक्त मौजूद हूँ QJ मोटर्स कराची में, और आज इनके हेड ऑफिस आए तो इत्तफाक की बात है कि इनके पास अभी अभी ड्रॉप हो रही थी नई कंसाइनमेंट ऑफ 2024। वी वर लकी इनफ, हमें मौका मिल गया। हमने कहा ये मौका तो जाने नहीं देंगे। उसी सिलसिले में, जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का पहला QJ SRK 125 S हमने आपको दिखाया, जिसमें दुनिया भर के फीचर्स डाल दिए गए। यानी कि एक समंदर को कूजे में बंद किया इन्होंने। इसका सिर्फ इंजन ही छोटा, बाकी ये पूरे का पूरा स्पोर्ट्स बाइक है। उसी सिलसिले में एक और बाइक आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जो कि है 150 सीसी कैटेगरी में। इस बाइक को देख के आपके दिमाग की घंटी जरूर बजी होगी कि अरे ये तो हमने कहीं देखा है पहले। तो जी हाँ, ये आप बिल्कुल देख चुके हैं। ये है QJ मोटर्स वेरी ऑन NX 150। इसका पहला रिव्यू हमने किया था जब इनॉग्रेशन हुई थी QJ मोटर्स की, बैक इन 2022 में इनकी इनॉग्रेशन हुई थी। उस वक्त हमने रिव्यू किया था। बेसिक काइंड ऑफ मोटरसाइकिल था ये, ब्लैक एंड वाइट कलर में अवेलेबल था। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये 2024 है, नए दौर नए तकाजे, तो नए तकाजों को मद्देनजर रखते हुए काफ़ी सारी इसमें ये आप ये समझ लें फेस लिफ्ट इसका NX 150 का एडिशन है। इसमें काफ़ी सारी ऐसी अपग्रेड्स की गई हैं जो कि वर्थ नोइंग हैं, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ताकि इसी किस्म की अभी बहुत सारी बाइक्स आनी हैं जो आपने देखनी है। तो अगर इस बाइक से या दीगर बाइक से मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो स्क्रीन पे QJ मोटर्स का नंबर मौजूद है। आप कॉल या व्हाट्सएप करके मजीद इन्फॉर्मेशन इन बाइक्स के मुतालिक हासिल कर सकते हैं। व्हाई नॉट वी स्टार्ट विद द कलर्स। इस दफ़ा ये आपको मिल रहा है, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ब्लैक एंड वाइट कलर में था पहले। इस दफ़ा आपको यहाँ नियॉन ग्रीन कलर में, जो कि न्यू एंड हिट कलर है, आजकल गाड़ियों में भी बहुत ज़्यादा रैप किया जा रहा है, बट दिस इज़ ए हाईली क्वालिफाइड एंड हाई क्वालिटी पेंट डन ऑन दिस थिंग। फिर हमारे पास चेरी रेड आ जाता है, ये अपनी मिसाल आप है, ये भी बहुत खूबसूरत कलर है। लेकिन अगर आपने इन दोनों में से सेलेक्ट करना हो तो कौन सा कलर आप चूज़ करेंगे, ज़रूर बताइएगा। कौन, मैं कौन सा चूज़ करूँगा, ये वाला। भाई नई चीज़ सबको अच्छी लगती है, तो मैं भी डेफिनेटली आई एम गोना गो फॉर दिस वन। इससे पहले कि मजीद बाइक की डिटेल्स हम जाने, साउंड चेक तो मस्ट है, तो व्हाई नॉट वी डू अ साउंड चेक फर्स्ट एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द स्पेसिफिकेशंस। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हाफ सेल्फ स्टार्ट।
और स्टार्ट होते ही लाइट आप देख सकते हैं। अच्छा, ये हेडलाइट भी इसकी अपग्रेडेड है पिछली दफ़ा से, टोटली चेंज है और बहुत खूबसूरत येट स्ट्रॉन्ग लाइट यहाँ देखने को मिल रही है। अच्छा, ये हेडलाइट इसकी ऑटोमेटिक ऑन ही रहेगी। अब मैं आपको फुल लाइट भी करके दिखा देता हूँ। हैलोजन बल्ब के साथ आ रही है, दिस इज़ नॉट LED जैसा कि आप देख सकते हैं, लेकिन LED भी लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। चलिए अब साउंड को ज़रा हम सुन लेते हैं कैसी है। और क्या बात है यार, पता क्या मज़े की बात क्या है, साउंड की बंदी बंदी भी बेस वाली आवाज़ है, ठीक है। वो ऐसे नहीं लगता जैसे YBR की आवाज़ होती है, हालांकि YBR 125cc है, ये 150 है। GR को ले लो, GR तो बिल्कुल ही स्मूथ साउंड है, बट दिस इज समथिंग एल्स। इंजन, इंजन के मुताबिक सबसे पहले हम बात करेंगे। दिस इज यूरो 5 टेक्नोलॉजी पे बना हुआ, ये मेरी अंग्रेजी को क्या हो गया, उर्दू अंग्रेजी मिक्स हो रही है मेरी। दिस इज बेसिकली यूरो 5 बेस्ड इंजन और 150cc इंजन है ये। 5 स्पीड रिटर्न गियर बॉक्स के साथ आता है, यानी कि उल्टे गियर इसमें पड़ते हैं। पिछली दफ़ा भी मैंने आपको ये बात बताई थी और इस दफ़ा भी बताऊंगा कि अगर आप इसकी फुट ब्रेक दबाएंगे तो फ्रंट ब्रेक भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम, CBS कहा जाता है। काफ़ी सारे मोटरसाइकिल्स में, इंपोर्टेड मोटरसाइकिल्स में ये सिस्टम आ रहा है, लोकल बाइक्स में ये सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है किसी भी मोटरसाइकिल में, सही हो गया। फिर उसके बाद, अच्छा, टॉप स्पीड के बारे में बड़े लोग पूछते हैं, यहाँ मैं आपको पहले मीटर दिखाता चलूँ। और मज़े की बात यह है कि ये मीटर भी अपग्रेडेड है पिछली दफ़ा से, टोटली न्यू मीटर यहाँ पे, डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर देखते ही आपको लगेगा कि ये कावासाकी Z1000RR की तरह का मीटर, मिनिमलिस्टिक किस्म का लगा हुआ है, जिसके अंदर तमाम ही इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली प्रोवाइड कर दी जाती है। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ टॉप स्पीड में जैसे एनालॉग मीटर्स में होता है वो नज़र नहीं आता। यहाँ पे जो लड़के ऑलरेडी इसको चला रहे हैं, यू वॉन्ट बिलीव कि वो पाकिस्तान टूर पे भी लेके गए हैं इस बाइक को। जो मेरी तरह कमज़ोर लड़के थे वो बैठे, उन्होंने क्लेम किया कि टॉप स्पीड ये करता है 130 किलोमीटर, और अनस की तरह के मोटे मोटे और लंबे चौड़े लोग जो इस पे बैठे, उन्होंने किया, मैं मजाक करूँ, मोटा बंदा बैठा 130 दिया, स्लिम लड़का बैठा तो 135 उसने खुद रिकॉर्ड किया कि मुझे इसने टॉप स्पीड दी है। तो 135 का मतलब क्या बनता है कि 125 को तो आप भूल ही जाएं, होंडा सीजी 125 को, सुजुकी GS150 को तो भूल ही जाएं, होंडा CB150F को भी तकरीबन ही भूल जाएं आप। इस जैसा बाइक, तेज तरीन बाइक इस वक्त मार्केट में और कोई नहीं मिलेगा। सो अब अगर मैं माइलेज की बात करूं तो यहां फिर मैं कहूंगा कि दिस इज वर्ड ऑफ माउथ, नॉट द वर्ड ऑफ कंपनी। लड़के जो ऑलरेडी चला रहे हैं यहाँ पे कराची जैसी हैवी ट्रैफिक के अंदर, सिटी के अंदर, ये 50+ उन्हें माइलेज दे रहा है सिटी के अंदर, 50 to 55। और हाईवे पे अगर आप क्रूज अलॉन्ग करते हुए जा रहे हैं एक सर्टन स्पीड के ऊपर, तो ये आपको 60+ एवरेज दे रहा है पर लीटर। हाउ कूल इज दैट। अच्छा जी, अगर आप इसका लेड देखते हैं तो वही स्पोर्ट्स बाइक स्टाइल, आपको टॉप लेड मिल जाता है, स्पोर्ट्स बाइक शेप का ही चिजल टैंक आपको मिल जाता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको ब्लैक कलर में इसके साइड कवर्स मिल जाते हैं, जिसके ऊपर NX150 की ब्रांडिंग हुई भी आपको नज़र आ रही है। ये तो अभी नकाब पोश है, अभी इसकी नकाब कुशाई नहीं की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर शील्ड भी एग्जॉस्ट के ऊपर ऑलरेडी दे दी है प्रोटेक्शन के लिए, खुदा ना खासा गिर जाता है, किसी की टांग ना जल जाए, कोई बच्चा हाथ लगाए, कुछ भी ना हो, तो वो वेल प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी। रिट्रैक्टेबल फुट पैग्स आपको मिल जाते हैं पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी, इन केस ऑफ फॉल अल्लाह ना करे ये वापस ऊपर की तरफ आ जाएंगे। इट ऑल्सो कम्स विद द किक स्टार्ट एज वेल। अब एक और मजे की चीज आपको दिखाता हूँ। बैक पे अगर आप देखें तो 120/80/17 के कॉर्डियल के टायर आपको दे दिए गए हैं। अब ये टायर्स की चौड़ाई अगर आप देखें तो ये भी 22 मॉडल से टोटली डिफरेंट है, और ये जो पैटर्न इसके अंदर दिया गया है, इसकी प्रोफाइल आप देखें तो बारिश का सीजन है, धूप का सीजन है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्लाइमेट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रोड कंडीशन, ये तमाम ही कंडीशंस पे चलने के लिए परफेक्ट टायर्स हैं। सो बैक पे आपको 120/80/17 का
टायर दे दिया गया जो कि ट्यूबलेस है और 17 इंच का खूबसूरत अलॉय व्हील दे दिया गया। अगर साइड से ज़रा घूम के देखेंगे तो बैक पे भी आपको डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक दे दी गई है बाइक को रोकने के लिए। फिर यहाँ ज़रा ऊपर आएंगे तो आपको एक अदद परफेक्ट एंगल में इंस्टॉल हुआ हुआ मोनोशॉक मिल जाएगा और एडजस्टेबिलिटी आप देख सकते हैं 35 mm तक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक है ये। और इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं कि टायर वही आपको सेम कॉर्डियल का टायर मिल जाता है, 9/9/17 का फ्रंट पे टायर मिल रहा है और डुअल पिस्टन कैलिपर डिस्क ब्रेक जो कि जाइगेंटिक साइज में आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट फोक्स की बात करें तो ये नॉर्मल टेलीस्कोपिक शॉक्स आपको फ्रंट पे दिए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आप नोट करेंगे कि आपके पास जैसे मेरे पास GS150 है उसके भी इतने वॉल्यूम में हमें शॉक्स देखने को नहीं मिलते। ये काफ़ी बीफी और थिक यू नो द प्रोसीजर्स ये आपको शॉक्स मिल रहे हैं। हेडलाइट का काउल साइड कवर देखें वो भी आपको सेम बॉडी कलर में मिल रहा है। यहाँ पे ABS मटेरियल से बना हुआ मड गार्ड देखने को मिल रहा है और सेम फ्यूल टैंक कलर में ये आपको देखने को मिल रहा है एंड लुक्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स ब्यूटीफुली। अब यहाँ पे एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा मैं आपको, ज़रा सा घूम के आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। इस दफ़ा जो चार्जर इसके साथ लगाया गया है, पिछली दफ़ा 2 एम्पेयर का था, इस दफ़ा इसके ऊपर प्राउडली इन्होंने लिखा हुआ है कि 5 वॉल्ट्स का चार्जर, फास्ट चार्जर इसमें लगा के दे दिया है इस दफ़ा, जो कि आपके मोबाइल को नो टाइम चार्ज कर देगा। मैं एक दफ़ा फिर स्टार्ट करता हूँ इसे और हेडलाइट की परफॉर्मेंस आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर एक अदर डिपर भी मौजूद है तो मैं देखता हूँ कि डिपर परफॉर्म कैसा करता है। ये देख सकते हैं आप डिपर का ऑप्शन इसमें मौजूद है। दिस इज अ हॉर्न एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल साउंड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की, तो इसकी बुकिंग प्राइस है 7.5 लाख रुपए। मिलेगा कैसे? स्क्रीन के ऊपर नंबर मौजूद है QJ मोटर्स कराची का, आप कॉल या व्हाट्सएप करके इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई मैं तो मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में बैठा हूँ, मैं कैसे ले सकता हूँ, वो आपको गाइड कर देंगे। ये गिलगित बल्तिस्तान भी पहुंच जाएगा, पंजाब भी पहुंच जाएगा, सिंध में तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, बलोच जहां आप बोलेंगे पहुंच जाएगा। फ्री चार्जेस आप डिस्कस कर लीजिएगा इनसे तो फिर आपके घर इंशाल्लाह डेफिनेटली पहुंच जाएगा। अगर आप बाहर के किसी कंट्री से देख रहे हैं बेगम हो के आप लोग डील कर सकते हैं, आपके आने से पहले आपकी चीज़ घर पहुँचेगी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये खूबसूरत मोटरसाइकिल भी पसंद आए होंगे। अगेन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इन दोनों में से कौन सा कलर आपको ज़्यादा पसंद आया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। यहाँ कुछ और भी नई चीज़ है क्या? अच्छा ये देखो ना, इधर आओ, ग्राफिक्स कितने मिनिमलिस्टिक हैं। इन ग्राफिक्स की बेस पे चीज़ नहीं बेची जाती मेरे भाई। हर साल आपने एक इंजीनियर रखा हुआ है वो ग्राफिक चेंज करके देता है। GS150 भी बिक जाता है, 125 होंडा भी बिक जाता है, यामाहा भी बिक जाता है। यहाँ पे गेम ग्राफिक्स की नहीं होती, ये चीज़ की होती है। पूरे पूरे कलर होते हैं, मीटर, लाइट, टायर्स, क्लच, पूरा क्लच बॉक्स, ये वो सब कुछ चेंज होता है तब लॉन्च। और अरसा कितना हुआ है इन्हें लॉन्च हुए हुए? 2 साल। 2 साल के अंदर फेसलिफ्ट आ रहे हैं यहाँ पे। सुधर जाओ लोकल कंपनियों, अपना ख्याल रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।